हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म में जो हमने अपराध किए हैं उनके लिए क्षमा और प्रायश्चित कैसे करें? देखो, पूर्व को भूलो, वर्तमान को क्षमा लो। वर्तमान को, पूर्व की याद में, पूर्व की जलन में वर्तमान को नष्ट करना ये बुद्धिमत्ता नहीं। ये सेकंड जो हमारा गलत गया वो तो गया ही है, अब जो सेकंड चल रहा है इसको अगर हम संभाल लेते हैं तो वो भी समझ जाएगा, वो आगे भी समझ जाएगा। हमें ना भविष्य की चिंता करनी और ना भूत की चिंता करनी है। ये हम तुम्हें बहुत सुलझी हुई बात कर रहे हैं, हमें वर्तमान के सिर्फ सेकंड को संभालना है। हम मिनट की भी बात नहीं कर रहे, हम मिनट की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें 60 सेकंड होते हैं। हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर एक सेकंड वर्तमान का तुम सही व्यतीत करोगे तो हर सेकंड सही व्यतीत होता चला जाएगा, तो जो पीछे गलतियां हुई है ना वो सब खत्म हो जाएंगी। आगे गलती होने की संभावना नहीं, क्योंकि मैं वर्तमान को सुधार रहा हूं। हर सेकंड मैं सावधान हूं, हर सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक साल बोझा लग जाएगा दिमाग में, कैसे संभाल पाऊंगा एक साल। हम कह रहे एक सेकंड, हर सेकंड को तुम पवित्र मंगलमय, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हमारे एक दो जन्म नहीं कि हम प्रायश्चित से काट ले पाप, पूरे को विध्वंस करें वो केवल गुरु भगवान में समर्थ। भगवान ही गुरु, गुरु ही भगवान, उन्हीं में उनकी करुणा दृष्टि से समस्त संचित कर्म भस्म हो गए। और उनकी कृपा दृष्टि से उन्होंने जो नाम दिया उस नाम से हम वर्तमान को पावन कर रहे हैं, तो भविष्य हमारा महामंगलमय हुआ। भूत की चिंता नहीं, भूत की तुम चिंता मत करो। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वाम सर्वपापे, मैं कहता हूं चिंता मत कर तू, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका उद्धार करता हूं जो मेरा आश्रय लेकर के प्रतिक्षण मेरा अनन्यस चिंतयन्तु माम। एक एक क्षण केवल हमारा भगवान के चिंतन में, भगवत कार्य में, जगत मंगल में जाए। तुम भूल जाओ भूत को, भूल जाओ भविष्य को, हर क्षण तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। ये ठेका ठाकुर जी लेते हैं, योगक्षेमम वहां में हम, अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग, और प्राप्ति की रक्षा कराना क्षेम। दोनों की चिंता में तो फंसे रहते हैं। ये चिंता दो गुरुदेव को, ठाकुर जी को, और तुम करो चिंतन और देखो महामंगल होता है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, शरणागति की जरूरत है, बात समझने की जरूरत है। देखो, ये समझ में आवे चाहे ना आवे, हम आपको बता रहे, पाप और पुण्य की सत्ता नहीं है, ये असत है। जैसे स्वप्न में आपने बहुत से कत्ल किए या बहुत से दान किए तो वो झूठे हैं, ये तभी जान पाओगे ना जगे, जब जगने पर ही तो जान पाओगे, लेकिन स्वप्न में तो नहीं जान पाओगे ना। अभी हम मोह निशा सब सोवनिहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार, कभी अशुभ कभी शुभ, यही हो रहा है। तो हम क्या है, अभी सोए हुए पुरुष है। किस में सोए हैं, अज्ञान में, मोह निशा, मोह माने अज्ञान। अज्ञान में मुझे दिखाई दे रहा मैं बहुत बड़ा दाता हूं, अज्ञान में दिखाई दे रहा मेरे बहुत पाप हो गया है। और जब जगे तो जैसे स्वप्न का पुण्य और पाप का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे ज्ञान प्रकाशित जब हृदय में हुआ तो अब जो अज्ञान वसात तुमसे उनका कोई महत्व नहीं, वो सब भस्म हो जाते हैं। पर जगने पर, स्वप्न में अगर चाकू मारी जा रही है तो मारी जा रही, फिर वो ऐसे ही कष्ट होगा नहीं होता। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अब जैसे कोई बाढ़ में पीड़ित है, स्वप्न में देखा कि फंस गए और बूढ़ रहे, तो फिर बूढ़े ही रहा है, पूरा कष्ट अनुभव हो रहा है। अब उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि तुम नौका लगा दो, जल जहाज लगा दो, तैराक कूदवा दो, कोई उपाय नहीं। एक उपाय, उसे जगा दो। जगा तो एक बूंद पाली ले, सैया में पड़ा है और देख क्या रहा था, स्वप्न में महान जल राशि में डूब रहा है। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सपना। तो हमें लोग ये चिंता भी नहीं करनी कि हमसे बहुत पाप हो गए अब क्या होगा। जगो, जग जाओ, उनकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद, जब सत में स्थित हो गए तो आपके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता। आपके ऊपर न कभी लागू हुआ, न कभी लागू होगा। आप निर्विघ्न निर्विकार, आप बंधन रहित त्रिगुणातीत स्वरूप है। अब खत्म हो गया खेल। जब तक ये जानोगे नहीं, जब तक ये मानोगे नहीं, जगोगे नहीं, तब तक भोगना पड़ेगा वो जो कष्ट मिल रहा है। ये स्वप्न ही में जन्म मरण हो रहा है, स्वप्न ही में दुख सुख हो रहा है, स्वप्न ही में द्वंद हो रहा है, अर्थात मोह अज्ञान के कारण। और जहां अज्ञान नष्ट हुआ, बोले जीवन मुक्त महापुरुष।
बोले मोक्ष पदवी को प्राप्त महा, ये मोक्षाधिपति हो गया। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान प्राप्त, और ये ज्ञान मिला कहां से? गुरुदेव से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै से। अब चक्षुरुन्मीलितम, खुल गए नेत्र, अभी तक सो रहे थे, अब खुले हैं गुरुदेव की कृपा से। चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते जिन्होंने हमें ज्ञान के नेत्र प्रदान किए।